والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم الحرام رواه البخاري ہر قسم کی تعریف و توصیف کبریائی بڑائی عزت و بزرگی شان و شوکت عظمت حمد و ثنا اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو رب العالمین کے تمام کے تمام پیغمبروں پر، نبیوں پر، رسولوں پر، میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، آج کے اس خصوصی پروگرام میں میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں، بڑا حساس یہ عنوان ہے، بڑا اہم، بڑا ضروری یہ عنوان میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی سے اس کا تعلق ہے۔ صرف زندگی میں ایک دو مرتبہ یا پانچ دس مرتبہ پیش آنے والا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ وہ مسئلہ ہے جو ہماری زندگیوں سے جڑا ہوا ہے۔ جب تک سانس میں سانس باقی ہے، جب تک ایک دانہ بھی ہمارے پیٹ میں جانے والا ہے، اس وقت تک یہ ہماری زندگی سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ تو جو عنوان میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ عنوان ہے حلال و حرام کی فکر۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے ہم یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو اس دنیا میں پیدا فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ہماری رہنمائی کی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا، ہماری رہنمائی کی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے کتابیں نازل فرمائی، بہت کچھ انتظامات اللہ تبارک و تعالی نے کیے تاکہ انسانوں کی ہدایت و رہنمائی ہو سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ہمیں کر کے بتایا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کیا کرے کیا نہ کرے۔ گویا کہ اللہ اور رسول نے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی، بتایا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے،
कैसी जिंदगी गुजारनी चाहिए, कैसी जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए, हमारी जिंदगी में क्या आदत होने चाहिए क्या आदतें नहीं होनी चाहिए, गोया के जिंदगी के हर शोबे में हमें बता दिया गया कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या नेकी है क्या बदी है, क्या हलाल है क्या हराम है, सब बता दिया गया। जिंदगी के हर शोबे में हमारी रहनुमाई कर दी गई, बताया गया कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मोहतरम हाजरीन, कमाई के सिलसिले में, खाने के सिलसिले में, जो चीज़ हम अपने पेट में डालते हैं ग़िज़ा के तौर पर, कौन सी ग़िज़ा हलाल है कौन सी ग़िज़ा हराम है, कौन सी कमाई हलाल है कौन सी कमाई हराम है, कौन सी चीज़ है जो हम खा सकते हैं कौन सी चीज़ है जो हम नहीं खा सकते, शरीयत ने हमारी रहनुमाई की है, शरीयत ने हमें बताया है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या तुम्हारे लिए हलाल है क्या तुम्हारे लिए हराम है, शरीयत में बता दिया गया। और शरीयत में ये भी बताया गया कि अगर हलाल कमाई हलाल रोज़ी इख्तियार करते हो तो उसकी क्या बरकतें हैं, क्या उसकी फजीलतें हैं, अगर हराम कमाई इख्तियार करते हो तो फिर क्या उसका अंजाम है, शरीयत में ये भी बता दिया। सबसे पहली बात हम देखें, हलाल कमाई के सिलसिले में क्या उसकी तरगीब दिलाई गई, क्या फजीलत क्या अहमियत बताई गई है। सबसे पहले मैंने आप हजरात के सामने सूरतुल मुमिनून की आयत मैंने आपके सामने पढ़ी। अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलों को इस बात का हुक्म दिया, या अय्युहर रसूल कुलो मिन अत्तय्यिबात, ऐ रसूलों की जमात। यहाँ अब गौर करें कि खिताब जो है रसूलों की जमात से है, एक रसूल से दो रसूल से नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहर रसूल, ऐ रसूलों की जमात, सारे रसूल इसके अंदर आ गए, एक दो रसूल नहीं, पांच दस रसूल नहीं, सौ रसूल नहीं, सारे रसूलों की जमात से अल्लाह तबारक व ताला ने खिताब करते हुए फरमाया, ए रसूलों की जमात, या अय्युहर रसूल कुलू मिन अत्तय्यिबात, पाकीजा चीजें खाओ, पाकीजा चीजों में से खाओ, कुलू मिन अत्तय्यिबात वअमलू सालिहा, और नेक आमाल अंजाम दो। अल्लाह तबारक व ताला ने रसूलों की जमात को हुक्म दिया। हमारा ये अकीदा है, हमारा ये ईमान है कि इस सरजमीन पर सबसे पाकीज़ा सबसे मुकद्दस जमात अगर कोई गुजरी है वो रसूलों की जमात, वो रसूलों की जमात है, वो अल्लाह तबारक व ताला के अहकाम पर फरामीन पर अमल करने वाली जमात थी, सबसे ज्यादा अपने आप को पाको साफ रखने वाली जमात थी। अल्लाह तबारक व ताला अगर हुक्म ना भी देता तो वो पाकीज़ा चीज़ों को इख्तियार करते, लेकिन ताकीद करते हुए अल्लाह तबारक व ताला ने हुक्म दिया, और एक दो रसूल नहीं बल्कि सारे रसूलों की जमात को अल्लाह तबारक व ताला ने हुक्म दिया कि पाकीज़ा चीज़ें खाओ, पाकीज़ा चीज़ें इख्तियार करो, या अय्युहर रसूल कुलू मिन अत्तय्यिबात वअमलू सालिहा, और नेक आमाल अंजाम दो। सूरतुल मुमिनून की आयत नंबर 51 में अल्लाह तबारक व ताला ने यह हुक्म दिया। अब हम गौर करें, ये जो हुक्म अल्लाह तबारक व ताला ने दिया, ऐसा नहीं कि सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला ने हुक्म दे दिया, रसूलों ने किया या नहीं किया हमें नहीं मालूम, बात ऐसी नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी की हदीस में ये बात भी बयान फरमाई कि जितने रसूल इस दुनिया के अंदर आए सब ने बकरियां चराई, सब ने मेहनत की, सब ने मजदूरी की, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी मिसाल भी देते हैं। ऐसा नहीं कि बस बता दिया कि रसूलों ने किया, नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी के हदीस में ये बात भी बयान फरमाते, आदमी की सबसे बेहतरीन कमाई उसके हाथ की कमाई, उसकी मेहनत की कमाई, उसके हाथ की कमाई, जो आदमी मजदूरी करता है मेहनत करता है अपने हाथ से कमाता है, वो कमाई सबसे बेहतरीन कमाई है। और नबी मिसाल दे रहे हैं किसकी, नबी की मिसाल दे रहे हैं, नबी की मिसाल देते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और हजरत दाऊद अलैहि सलाम अपनी हाथ की मेहनत की कमाई खाया करते थे। अल्लाह,
हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, नाम एक नबी का एक पैगंबर का लिया जा रहा है, लेकिन याद रखें नबी ने बताया कि जितने पैगंबर इस दुनिया के अंदर आए सबने मेहनत की, मजदूरी की, बकरियां चराई। साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपने भी बकरियां चराई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मैं भी मक्का वालों की बकरियां एक किरात दो किरात के इवज मैंने भी बकरियां चराई। अल्लाह, ये रसूलों का हाल था, ये पैगंबरों का हाल था, सिर्फ हुक्म नहीं मिला बल्कि अमली तौर पर रसूलों ने करके बताया कि देखो पाकीजा रोजी, हलाल कमाई, पाकीजा चीजें उन्होंने खाई, मेहनत की, उन्होंने मजदूरी की, और इस तरह से हलाल रोजी उन्होंने इख्तियार की, ये पैगंबरों का हाल था। तो अल्लाह ने हुक्म दिया सूरतुल मुमिनून की आयत नंबर 51 में, 51 में, ए रसूलों की जमात पाकीजा चीजें खाओ, कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा, और नेक आमाल अंजाम दो। ये तो हुई रसूलों की बात। उम्मत मुहम्मदिया की, अहले ईमान की, जो अल्लाह रसूल पर ईमान रखने वाले यानी कि हम, अल्लाह ने हमारी भी क्या शान बयान फरमाई। अल्लाह अकबर, जो हुक्म के अल्लाह ने रसूलों को दिया वही हुक्म अल्लाह ने मोमिनीन को भी दिया, अहले ईमान को भी अल्लाह तबारक व ताला ने वही हुक्म दिया। और अल्लाह तबारक व ताला ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, कुलू मिन तय्यिबाती मा रज़क़नाकुम, उन चीजों में से खाओ, उन पाकीजा चीजों में से खाओ जो हमने तुम्हें दिया, जो हमने तुम्हें दिया उसमें से पाकीजा चीजों में से खाओ। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी शान है अहले ईमान की कि जो हुक्म अल्लाह ने रसूलों को दिया वही हुक्म अल्लाह ने अहले ईमान को भी, मोमिनीन को भी अल्लाह ने वही हुक्म दिया। तो मालूम हुआ कि पाकीज़ा रोज़ी इख्तियार करने की बड़ी अहमियत, बड़ी फजीलत बताई गई है, और ये हुक्म अल्लाह ने रसूलों को भी दिया, ये हुक्म अल्लाह ने अहले ईमान को भी दिया, रसूलों को जो हुक्म दिया रसूलों ने करके भी बताया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह के नबी ने दी और कहा कि हज़रत दाऊद अपने हाथ की मेहनत की कमाई खाया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद के बारे में फरमाया, वअलन्ना लहुल हदीद, कि हमने लोहे को उनके लिए नर्म कर दिया था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम क्या करते थे? जंगी लिबास तैयार करते थे, लोहे की जिरहें बनाया करते थे, जंगी लिबास और इसी तरह से हथियार तैयार किया करते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मेहनत करते थे, मजदूरी किया करते थे, गोया कि एक लोहार का जो काम होता है, एक लोहार की जो मेहनत होती है, वो मेहनत, वो काम, वो मजदूरी हजरत दाऊद किया करते, वक्त के पैगंबर थे फिर। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात। तो हलाल रोजी की, हलाल कमाई की यह अहमियत शरीयत इस्लामिया के अंदर बताई गई है, और यह हलाल कमाई, यह हलाल रोजी अगर इंसान अपने घर वालों को खिलाता है और अपने घर वालों का पेट पालता है तो एक एक लुक्मे पर भी उसको अजर व सवाब बताया। यह हलाल कमाई की अहमियत। तो यह बात हुई। अब इसी तरह से हम देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस ये बात बयान फरमाई, बुखारी की हदीस है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, याती अलन्नास ज़मानुन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु इस हदीस के रावी, वो बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याती अलन्नास ज़मानुन, लोगों पर एक ज़माना आएगा, एक वक्त आएगा, एक ज़माना ऐसा आएगा लोगों पर, याती अलन्नास ज़मानुन ला युबालिल मर, आदमी इस बात की परवाह नहीं करेगा, आदमी इस बात की फिक्र नहीं करेगा, मा अखज़ा मिन्हु, जो वो कमा रहा है, जहां से माल उसके पास आ रहा है, अमीनल हलाल अमिल हराम, कि वो जरिया, वो कमाई हलाल तरीके से आ रही कि हराम तरीके, हलाल है या हराम है इसकी फिक्र नहीं करेगा आदमी, इसकी परवाह नहीं करेगा आदमी, ये नहीं देखेगा कि जो माल मेरे पास आ रहा है हलाल का है कि हराम का है, एक जमाना ऐसा आएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ये बात बयान फरमाई, और जिस जमाने में अल्लाह के नबी ने ये बात बयान फरमाई गोया कि उस जमाने में ऐसी बात नहीं थी, उस जमाने में लोग फिक्र करते थे, परवाह करते थे कि हलाल क्या है हराम क्या है, हलाल इख्तियार करते थे, हराम से बचते थे, इज्तनाब करते थे। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस जमाना, ये जमाना तो नहीं, एक जमाना आएगा,
गोया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ज़माने की पेशीन गोई फरमा रहे हैं, अल्लाह के नबी बता रहे हैं एक ज़माना आएगा। अल्लाह अकबर, गौर करें इस हदीस पर थोड़ी देर के लिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अल्फाज पर गौर करें, एक ज़माना आएगा आदमी इस बात की परवाह नहीं करेगा कि जो कमा रहा है, जो रोजी उसके पास आ रही है, हलाल किए कि हराम किए। थोड़ी देर के लिए सोचे कि अल्लाह के नबी ने जिस ज़माने की पेशीन गोई फरमाई है, हम जिस ज़माने में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या ये वही ज़माना तो नहीं? आज हम जिस ज़माने में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक आदमी ये देखता है कि मेरे पास जो रोजी आ रही है, जो कमा रहा हूं, जो पैसा आ रहा है, हलाल हो के आराम हो, सब लपेटा जा रहा है, क्या हम उसी जमाने में तो जिंदगी नहीं गुजार रहे? नबी ने जिस जमाने की पेशीन गोई फरमाई, दिल से यही आवाज आती है कि हो ना हो, नबी ने इसी जमाने की पेशीन गोई फरमाई, इसी जमाने की अल्लाह के नबी ने पेशीन गोई फरमाई है कि एक जमाना आएगा लोगों पर कि आदमी इस बात की फिक्र नहीं करेगा, परवाह नहीं करेगा कि जो कमा रहा है, जो रोजी उसके पास आ रही है, हलाल की है कि हराम की है, परवाह नहीं करेगा। आज हम उसी जमाने में जिंदगी गुजार। तो मोहतरम हाजरीन, याद रखें, बड़ी खतरनाक बात है, बड़ी खतरनाक बात है। अल्लाह के नबी ने जिस जमाने की पेशीन गोई फरमाई है, हम उस जमाने में जिंदगी गुजार रहे, वो जमाना आ चुका है कि आज आदमी इस बात की परवाह नहीं करता कि माल जो आ रहा है, पैसा जो आ रहा है, दौलत जो आ रही, हलाल की है कि हराम की, सब आदमी लपेट रहा है। आज हम उसी जमाने में जिंदगी गुजार। मोहतरम हाजरीन, आदमी हलाल और हराम की तमीज क्यों नहीं करता? आदमी हलाल और हराम की परवाह क्यों नहीं करता, फिक्र क्यों नहीं करता? इसके कुछ असबाब है। हराम कमाई की क्या उसकी खराबी है, क्या उसका अंजाम है, कितनी खतरनाक बात है, आइंदा मैं इंशाअल्लाह कुछ देर के बाद उसकी वजाहत करूंगा। लेकिन सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि आदमी हराम कमाई में क्यों पड़ता है, हलाल और हराम की तमीज को क्यों खत्म कर देता है, हलाल और हराम की परवाह क्यों नहीं करता, हलाल और हराम की फिक्र क्यों नहीं करता। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करें उसके कुछ असबाब, कुछ वजूहात उसकी हैं, कुछ असबाब उसके हैं। उन असबाब की वजह से इंसान हलाल और हराम की परवाह भूल जाता है। सबसे पहला सबब यह है कि आदमी जिहालत की बुनियाद पर यह काम करता है। जिहालत की बुनियाद पर, अदम वाकिफियत की बुनियाद पर, मालूमात ना होने की बुनियाद पर आदमी हलाल और हराम सब आदमी लपेट रहा है, हलाल और हराम सब आदमी कर रहा है, जो कमा रहा है वो हलाल है, हराम है उसको नहीं मालूम। आमतौर पर एक वजह होती है, कोई होता है कि भाई जो काम कर रहे हैं नहीं मालूम हलाल है कि हराम है कि नहीं मालूम, कर रहा है आदमी जिहालत की बुनियाद पर। लेकिन एक सवाल यह पैदा होता है कि क्या जिहालत की बुनियाद पर आदमी अगर इस बात की परवाह छोड़ दे कि भाई मुझे तो नहीं मालूम हलाल है हराम है, मैं खा रहा हूं, मैं कमा रहा हूं, क्या यह इसका उज़्र काबिले कबूल होगा? ये बोल कर क्या इंसान अल्लाह के पास बच जाएगा कि अल्लाह मुझे नहीं मालूम था? नहीं, नहीं बच सकता। क्यों? या ऐसी बात नहीं है कि इंसान इसकी परवाह ना करे, मालूमात ना करें कि भाई मुझे मालूम नहीं था, मैंने कर लिया? नहीं, इतना तो इंसान को मालूम होना चाहिए, इतना तो इंसान को मालूम होना चाहिए, जो लुक्मा अपने पेट में डाल रहा है, जो लुक्मा, जो कमाई, जो पैसा अपनी औलाद का पेट भर रहा है, अपने घर वालों का पेट भर रहा है, वो कमाई हलाल की है कि हराम की है, इतना तो इंसान को इल्म होना चाहिए, इतनी मालूमात तो होनी चाहिए। ये कैसी जिहालत, ये कैसा उज्र के इंसान जो खा रहा है, जो कमा रहा है, उसके बारे में भी इंसान को मालूम ना हो कि हलाल है कि हराम है, मुझे नहीं मालूम, नहीं, ये उज़्र काबिले कबूल नहीं। इतनी भी जिहालत ऐसी बात इंसान के लिए जेब नहीं देती, खुसूसन एक मोमिन के लिए जेब नहीं देती ये बात कि मुझे नहीं मालूम, नहीं, इतना तो मालूम होना चाहिए, इतना तो इल्म इंसान को होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूं, मेरा जो जॉब है, मेरी जो नौकरी है, मेरा जो कारोबार है, मैं जिस तरीके से पैसा कमा रहा हूं, ये हलाल तरीका है कि हराम तरीका है, ये सही है कि ये गलत है, मेरी कमाई हलाल की है कि हराम की है, इतना तो एक मोमिन को एक
एक मोमिन को तो कम से कम इतना मालूम होना चाहिए, वरना याद रखें इंसान अपना पेट भी भर रहा है, अपने घर वालों का भी, अपनी औलाद का भी पेट भर रहा है, और कौन सी रोजी से, कौन सी कमाई से? हराम की कमाई से नहीं। एक मोमिन की ये शान है। एक मोमिन कम से कम दुनिया वाले जो चाहे करें, दुनिया वाले जैसा चाहे करें, जिसका ईमान अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ना हो, वो जो चाहे करे, जैसी चाहे कमाई कमाए, जैसा चाहे रोजी खाए, हमें उससे मतलब नहीं। लेकिन एक अहले ईमान, एक मोमिन अल्लाह रसूल पर ईमान रखने वाला, आखिरत पर ईमान रखने वाला, कुरान पर ईमान रखने वाला, कम अज़ कम इतनी तौफीक तो उसे होनी चाहिए कि वो जो कमा रहा है, जो खा रहा है, उसके बारे में इतनी तो फिक्र कर ले कि हलाल है कि हराम। अब तक जो हो चुका हो चुका, अब तक नहीं मालूम था हो गया, अब ये गौर करें, ये फिक्र करें, इस बात की परवाह करें कि हम जो कारोबार कर रहे हैं, हम जिस तरीके से पैसा कमा रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, या इसी तरह से जो नौकरी हम कर रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, ये सही है कि गलत है, हलाल है कि हराम है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, शरीयत में क्या हुक्म दिया गया, मालूमात कर लें, उसके बाद अपनी रोजी को जारी। क्यों? मैंने आपको बता दिया, हलाल रोजी कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उस पर सवाब बताया गया। हराम रोजी आप जितनी चाहे कमा लें, उसका हिसाब भी देना होगा, और साथ ही साथ उसकी बड़ी खतरनाक, उसका अंजाम बताया गया। इंशाल्लाह मैं आपके सामने उसका जिक्र करूंगा। लेकिन सबसे पहला सबब, आदमी जो हलाल और हराम की तमीज को खत्म कर देता, जो आ रहा है आने तो क्यों, जहालत की बुनियाद पर, अदम वाकफियत की बुनियाद पर। लेकिन एक मोमिन के लिए बाज़ नहीं देती, एक मोमिन की ये शान नहीं है कि वो हलाल व हराम सबको एक साथ लपेटे और ये कहे कि मुझे नहीं मालूम था। नहीं, मालूम करना चाहिए, मालूम करना चाहिए एक मोमिन को, एक वजह। दूसरी वजह जिसकी वजह से इंसान हलाल व हराम की तमीज़ को भूल जाता है, हलाल व हराम की फिक्र छोड़ देता है, परवाह नहीं करता, वो है जल्दी अमीर बनना। इंसान चाहता है कि जल्दी अमीर बन जाऊं, इंसान इस बात की कोशिश करता एक झटके में अमीर बन जाऊं, ऐसा लगाया पैसा ऐसा डबल ट्रिपल होकर आ जाए, झटके में अमीर बनना चाहता इंसान। नहीं, गलत। पैगंबरों की जिंदगियां बताती कि उन्होंने मेहनत से, मजदूरी से, और इस तरह से बकरियां चरा कर उन्होंने मेहनत से उन्होंने पैसा कमाया, हाथ की मेहनत से उन्होंने पैसा कमाया। ऐसे किसी को धोखा देकर लूट कसूट करके और इसी तरह से किसी के साथ धोखा देकर गद्दारी करके एक झटके में पैसा नहीं कमाया उन्होंने, जल्दी अमीर नहीं बने थे वो लोग, मेहनत की, मजदूरी की। शरीयत में इसी बात का हुक्म दिया गया, झटके में अमीर बनना, जल्दी अमीर बनना, ये नहीं होनी चाहिए। आज हम देखें कितने ऐसे लोग हैं, माशाल्लाह बूढ़े हो चुके हैं, दाढ़ियां उनकी सफेद हो चुकी हैं, जिस्म उनका लागर हो चुका है, लेकिन आज भी वो मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह के पास उनके लिए बेहतर से बेहतर बदला है, अल्लाह तबारक व ताला ने तैयार कर रखा है। क्यों? हलाल कमाई वो खा रहे हैं, हलाल रोजी वो खा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, फल की तरकारी की बंडियां वो चला रहे हैं, बूढ़े लागर हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह के पास उनकी मेहनत जाया नहीं जाएगी, याद रखें। और वहीं पर कुछ नौजवान हैं, घर बैठे अमीर बनना चाहते, जल्द से जल्द अमीर बनना चाहते, एक झटके में अमीर बनना चाहते। नहीं, याद रखें, दुनिया के अंदर एक झटके में अमीर बन भी जाएंगे, लेकिन वैसे ही एक झटके में आप गरीब भी बन जाएंगे, अल्लाह तबारक व ताला की मार पड़ेगी। याद रखें, पैसा जैसा आता है वैसा जाता भी है, पैसा जैसा आता है वैसा जाता भी है, गुनहगार इंसान बन जाता। तो इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि इंसान मेहनत करे, मजदूरी करे। शरीयत में इसकी तरगीब दिलाई गई है, शरीयत में बताया गया हलाल तरीके से रोजी कमाओ। तो ये दूसरा सबब है जिसकी वजह से इंसान हलाल और हराम की तमीज़ भूल जाता है, बस ये चाहता है कि बस जल्द से जल्द अमीर बन जाओ, चाहे पैसा कहाँ से आए बस आए, चाहे कहां से बने लेकिन मेरा घर बने, मेरी जायदाद बने, मेरी प्रॉपर्टी बने, किसी का कब्जा करके, किसी का जो चाहे करके, बस मेरे पास पैसा आए, बस मेरे पास दौलत आए। हलाल और हराम की तमीज इंसान खत्म कर देता है, भूल जाता है। दूसरा सबब, एक तीसरा सबब जिसकी बुनियाद पर इंसान हलाल और हराम की तमीज को भूल जाता है, हलाल और हराम की फिक्र छोड़ देता है, परवाह नहीं करता, वह है लालच।
लालच इंसान, बड़ा लालची किस्म का इंसान पैदा किया। लालच इंसान के अंदर है, हिर्स, हिर्स इंसान के अंदर है। और ये कैसे हिर्स है? अल्लाहु अकबर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान की हिर्स को बताते हुए, इंसान के लालच को बताते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान को अगर दो ओहद पहाड़ जितना सोना भी अगर इंसान को मिल जाए, तीसरे की फिक्र करेगा, तीसरे के लालच में इंसान पड़ता रहेगा। ये इंसान की हिर्स है, ये इंसान का लालच है। इस लालच की बुनियाद पर, इस हिर्स की बुनियाद पर इंसान हलाल और हराम सब भूल जाता, सब लपेट रहा है, बस आए जहां से आए। एक है दो प्रॉपर्टी बने, एक है दो घर बने, एक जमीन है दो जमीन आ जाए, इतना बैंक बैलेंस है और बढ़ जाए, और बढ़ जाए, और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। कसरत की तलब ने इंसान को हलाक करके रख दिया तुम्हें। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, तुम्हें ये माल और दौलत की कसरत ने तुम्हें हलाक कर दिया, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक के तुमने कब्रें जाकर देख ली। खबरों में जाता है इंसान, कब्रिस्तान के पास जाता है, देखता है क्या अंजाम हो गया इंसान का। दौलत थी, प्रॉपर्टियां थी इसकी, लाखों करोड़ों इसके पास थे, लेकिन क्या हुआ अंजाम? वही कब्र की मिट्टी में जा दफन हुआ। इंसान देखता है अपनी आंखों से, अल्लाह फरमाता है हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक के तुमने कब्रें जा देखी। बावजूद उसके कब्रिस्तान से निकलता है, फिर वही लालच, फिर वही हिर्स इंसान की, देखता है कि सब कुछ यही छोड़ कर जाना, इसे मिट्टी में डाल कर जाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान फरमाई, इतनी खतरनाक हदीस है, अगर इंसान उसे एक हदीस पर गौर कर ले, याद रखे, इंसान की जिंदगी बदल जाए, जिंदगी बदल जाएगी इंसान की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जब इंसान का जनाजा ले जाया जाता है, तीन चीजें उसके जनाजे के साथ जाती, मैयत के साथ तीन चीजें जाती, क्या क्या हैं? एक उसके रिश्तेदार, उसके घर वाले, दूसरा उसका माल, उसकी दौलत, तीसरी चीज उसका अमल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, यरजियु इस्नान, दो चीजें वापस आ जाती, जो माल उसका था, जो दौलत उसकी थी वापस आ गई, रिश्तेदार उसके हैं वो भी वापस आ गए। कोई कब्र की मिट्टी में साथ नहीं जाता, कब्र की तन्हाई में कोई साथ नहीं देता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक तीसरी चीज जो बाकी रह जाती है, उसका अमल, उसका अमल है, बस वो बाकी रह जाता है। जो कमाया सब यही छोड़कर जाना, यहां तक कि अल्लाहु अकबर, जिस्म के कपड़े निकाल लिए जाते हैं, जिसमें अगर कोई चीज रखी हुई हो, सोने चांदी की अंगूठी है, वो भी निकाल ली जाती, नहीं निकल रही, काट कर निकाल ली जाती है। जेब में पैसे थे सब निकाल लिए जाते, गले में कोई चीज थी निकाल ली जाती है, सब निकाल लिया जाता है, कुछ बाकी नहीं रहता। कार चला रहा था आज तक उसकी थी, जिस्म से रूह अलग हुई, कोई चीज उसकी नहीं है, ना प्रॉपर्टी उसकी, ना घर उसका, ना माल उसका, ना दौलत उसकी, कोई चीज उसकी नहीं। अल्लाहु अकबर, यहां तक के नाम भी उसका बाकी नहीं रहता, पड़ा हुआ है। कोई कहता है मैयत, कोई कहता है जनाजा, नाम लेकर भी कोई नहीं कहता। अल्लाहु अकबर, ये इंसान की जिंदगी की, बस यही इसका अंजाम। इस जिंदगी के लिए इंसान किस किस चीज में, किन किन तरीकों से माल और दौलत कमा रहा है, जबकि छोड़कर सब यही जाना, सब यही छोड़कर जाना है, कोई चीज वापस ले साथ में जाने वाली नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते, तीन चीजें जाती हैं, दो चीजें वापस आ जाती हैं, रिश्तेदार भी वापस आ जाते, माल और दौलत उसकी वापस आ जाते, सब वापस आ गया, बस क्या रह गया, खबर में क्या रहने वाला है साथ में? उसका अमल बाकी, उसका अमल उसके साथ में रहेगा, कब्र की तन्हाई में, कब्र के अंधेरे में, मिट्टी के अंदर उसका साथ अगर कोई देगी तो उसका अमल देगा। तो इस माल और दौलत की खातिर इंसान इतना लालची, इतना हरीस इंसान हो जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते, दो ओहद पहाड़ जितना सोना भी उसके पास रहे, तीसरे की लालच, तीसरे की हिर्स उसको। तो ये इस वजह से भी इंसान हलाल और हराम की तमीज भूल जाता है, बस ये चाहता है कि बस आए जहां से आए, बस आए। एक है दो बने, दो है चार बने, एक प्रॉपर्टी है दस बने, इंसान की बस यही। जब तक कब्र में पैर नहीं जाते, जब तक इंसान का यही काम होता है।
तो ये तीन ऐसी वजूहात है जिनकी बुनियाद पर इंसान हलाल व हराम की तमीज़ को भूल जाता है, ख़त्म कर देता, परवाह नहीं करता, बस जो आए आए। एक क्या है? लालच, हिर्स। दूसरी वजह क्या है? जल्दी अमीर बनना। तीसरी वजह क्या है? जहालत की बुनियाद। ये तीनों भी इंसान इन चीज़ों से बचने की कोशिश करे। जहालत अगर है तो फिर अदम वाकफियत ये उज़ुर नहीं बन सकता। इंसान मालूमात हासिल करे अपने पेशे के बारे में, अपने कारोबार के बारे में, अपने काम के बारे में, अपनी कमाई के बारे में मालूमात हासिल करे कि भाई मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, हलाल है कि हराम है, मैं जो जॉब कर रहा हूँ, मैं जो नौकरी कर रहा हूँ, हलाल है कि हराम है, मालूमात हासिल कर। दूसरी चीज़ क्या है? लालच है, हिर्स है, तमा है। इंसान इससे बच जाए, ये जहन में बिठा ले कि भाई कोई चीज़ ले जाना नहीं है। तीसरी चीज़ झटके में अमीर बनना, अमीर जल्दी अमीर बनना। याद रखें, इंसान मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा, उसकी कमाई की उसे कदर होगी, कमाई की उसे कदर होगी। वरना याद रखें, इंसान बस ऐसे ही कमा ले, जल्द से जल्द अमीर बनना चाहे, उसके पास वो चीज़ वैसे ही चली भी जाती है, बाकी नहीं रहती। तो ये असबाब हुए कि जिनकी बुनियाद पर इंसान हलाल और हराम की तमीज़ को भूल जाता है। अब ये देख लें कि हराम कमाई अगर हमने कमा ली, हराम रोजी अगर हमारे पास आ रही, हमारा कारोबार हराम का कारोबार, हमारी कमाई हराम की कमाई है, हमारे पेट में, हमारे घर वालों के पेट में, हमारी औलाद के पेट में जो लुकमा जा रहा है वो हराम का अगर है, तो फिर अंजाम उसका क्या होने वाला है? अंजाम उसका क्या होने वाला? बड़ा खतरनाक अंजाम है, याद रखें। आज हम क्या कहते हैं, आज हमारी जबानों पर यह बात होती है कि भाई थोड़ा ले चलता, चिट्टियां सूदी कारोबार, सूदी चिट्टियां चला रहे हैं, क्या कहते हैं कि भाई इतने महीने हो गए, 12 महीने हो गए, बस एक 2-4 महीने बाकी हो जाता। क्या कहता है इंसान, मेहनत कर रहा हूं मैं, मजदूरी कमा रहा हूं, इतनी मेरी तनख्वाह, इतना मैं काम कर रहा हूं, लेकिन साथ में बस नहीं हो रहा, थोड़ा ले लिया, थोड़ा लोन ले लिया, चल रहा है साथ में, हो जाता अब थोड़े दिन में, हो जाता थोड़ा। इंसान कहता थोड़ा है भाई, थोड़े अब क्या, इतना थोड़ा दुनिया में चलता है, इतना तो थोड़ा। आदमी कहता कि थोड़ा है बस, थोड़ा। याद रखें, ये थोड़ा इंसान को ले डूबता है। आप मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, अपनी सारी कमाई इंसान बर्बाद कर लेता है इस थोड़े के चक्कर में। इंसान कहता कि बस नहीं हो रहा, मजबूर था, ले लिया। नहीं, इतना मजबूर अल्लाह ने नहीं रखा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। इंसान पर अल्लाह तबारक व तआला उसकी ताकत, उसकी कदर के ज्यादा अल्लाह बोझ नहीं डालता, उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अल्लाह ने सूद हराम किया तो मतलब यह है कि उसकी ताकत के अंदर वो चीज है कि इंसान सूद से बच सकता है। इंसान कहे कि भाई लाचार था मैं, मजबूर था, ले लिया। इतना मजबूर नहीं है इंसान। मजबूरी भी कैसी, मजबूरी भी कैसी इंसान की। गाड़ी है उसके पास, खटारा गाड़ी, पुरानी गाड़ी है, नई गाड़ी लेना चाहता, क्या कहता उतने पैसे नहीं थे मेरे पास, मजबूर था, ले लिया। अल्लाह अकबर, ये मजबूरी है इंसान की, ये मजबूरी है इंसान की। छोटा घर था, झोपड़ा था, रह रहा था, बड़ा घर उसे बनाना था, पक्का घर बनाना था, बनाने के लिए सूदी कारोबार, सूद ले लिया। क्या कहता है, मजबूर था। कैसी मजबूरी, जिस घर में आप जिंदगी गुजार रहे थे, आप जिंदगी गुजार सकते थे, हराम से बच सकते थे, जिस गाड़ी पर आप जिंदगी गुजार रहे थे, जिस गाड़ी पर आप चल रहे थे, चला सकते थे, क्या इतने मजबूर थे कि आपको सूद का पैसा लेना पड़ा, इंटरेस्ट का पैसा लेना पड़ा, लोन लेना पड़ा, क्या आप इतने मजबूर थे? क्या उसी गाड़ी पर आप चलकर नहीं जा सकते थे? क्या उसी घर में आप नहीं रह सकते थे? शादियां कर रहे हैं, अल्लाहु अकबर, सीधी शादी, और इसी तरह से सुन्नत के मुताबिक शादी नहीं की जा रही है, लाखों रुपये कर्ज में लिए जा रहे हैं, और फिर क्या, मजबूरी थी, ले लिए। शादी करना था, ले लिए, मजबूरी थी। वलीमा करना था, ले लिए, मजबूरी थी। क्या इतनी मजबूरी थी, क्या मजबूरी, मजबूरी सूद लेकर क्या किया जा रहा है? फिर उससे और भी बहुत सारी चीजें, बैंड बाजे में लगाया जा रहा है, वीडियोग्राफी में लगाया जा रहा है, 10 किस्म के पकवान में लगाया जा रहा है, नाम नमूद की खातिर, रिया शोहरत की खातिर लगाया जा रहा है। क्या क्या आज किए जा रहे हैं, सूदी कारोबार, सूद का लेन देन आज किया जा रहा है। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, थोड़ा ले लिए, क्या हो जाता, थोड़ा। ये जो थोड़ा है ना, इंसान को बर्बाद करके छोड़ देता। इंसान समझता थोड़ा कर लिए तो क्या होता, अल्लाह माफ कर देता।
नहीं, अल्लाह उस वक्त माफ करेगा जब आप मजबूर होंगे। अल्लाह उस वक्त माफ करेगा जब इंसान जहालत की बुनियाद पर नहीं मालूम था कुछ कर लिया, अल्लाह माफ कर देगा। ये कैसी बगावत है, अल्लाह ने हराम किया, मालूम है अल्लाह का हुक्म सामने आ रहा है, फिर भी इंसान कह के नहीं अल्लाह माफ कर देता। कैसे अल्लाह माफ करेगा, बगावत करेंगे तो अल्लाह माफ करेगा? भाई इंसान मजबूर था, कुछ गुनाह उससे हो गया, गलती इंसान कर लिया, नादिम है, शर्मिंदा है, माफ करेगा अल्लाह? बगावत कर रहे अल्लाह से कि नहीं करके बताएंगे, अल्लाह कैसे माफ करेगा? तो ये याद रखिए, ये जो थोड़ा इंसान को जो कहता है, मैं मिसाल आपके सामने रखूंगा, इंसान जो कहता है ना कि थोड़ा कर लिए हो गया, नहीं। अब आप मस्जिद में आए हैं, नमाज के लिए आप तशरीफ लाए हैं, यकीनन जाहिर सी बात है कि इंसान जब मस्जिद को आता है, नमाज के लिए आता है, तो कुछ शर्तें उसके सामने रखी गई हैं कि भाई लिबास आपका पाक व साफ़ हो, जिस्म आपका पाक व साफ़ हो, जिस जगह पर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं पाक व साफ़ हो। तो जाहिर सी बात है, जिस्म पाक साफ़ हो, कपड़े पाक साफ़ हो, तो जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी पाक व साफ़ हो। अब आपसे आपसे मैं अगर सवाल करूं कि जिन कपड़ों में आप नमाज पढ़ने के लिए आए हैं, जिस पानी से वो कपड़े धोए जा रहे थे, मान लीजिए कि एक बकेट पानी था, उस एक बकेट पानी में अगर कुछ कतरे, थोड़े से कतरे अगर पेशाब के मिला दिए जाए, थोड़े से कतरे, कुछ कतरे अगर पेशाब के मिला दिए जाए, उस पानी से, उस बकेट के पानी से आपके कपड़े धोए गए, अब आपसे मैं सवाल करूंगा कि आप क्या उन कपड़ों में नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद आएंगे? मैं कहूंगा कि भाई थोड़े से, थोड़े थे खतरे, दो चार खतरे, कुछ खतरे थे। आप क्या बोलेंगे? नहीं, वो कुछ खतरे जाकर उस पूरे बकेट भर पानी को खराब कर दे। तो यही बात है कि आप दिन भर दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं, जो कमाई आप कमा रहे हैं, वो जो थोड़ा सा आप ले रहे हैं बाजू से, वो आपकी सारी कमाई को बर्बाद कर रहा, खराब कर दे रहा। ये समझने की कोशिश करें, और ये याद रखें, ये जो थोड़ा हम समझ रहे हैं, सहाबे किराम रजी अल्लाह अन्हुम किस कदर इससे बचा करते थे। पैगंबरों की तो मिसाल मैंने आपके सामने रख दी, आप सहाबा का भी तस्किरा सुन लें। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि बड़े ताजिर थे, माशाल्लाह बड़े मालदार सहाबी थे, ताजिर थे, बिजनेसमैन थे, तिजारत किया करते थे। उनका गुलाम भी था जो तिजारत में उनका साथ देता था। गुलाम ने एक मर्तबा खाने की एक चीज लाकर उनके सामने रख दी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने उसमें से उठाया और खा ली। खा लेने के बाद वो गुलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु से पूछता है, ऐ मेरे सरदार, ऐ मेरे मालिक, क्या आपको मालूम है कि जो चीज मैं आपको खिलाया वो क्या थी? वो कहते कि नहीं मालूम था। तो वो कहता है कि जहालत में, यानी कि जब अभी मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, मैंने एक आदमी से झूठ कहा था, मैंने एक आदमी से झूठ कहा था, उसका एक काम पूरा हो गया, वो खुश होकर एक चीज मेरे पास लेकर आया है, वो उसने मुझे कुछ पैसे दिए, उन पैसों से खरीद कर मैं ये चीज आपके पास लाया। अल्लाह, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को मालूम हुआ कि जो चीज़ मैंने खाई वो हराम की चीज़ थी, झूठ बोलकर, झूठ बोलकर उसने एक आदमी को धोखा दिया था, उसने वो पैसे लाकर दिए, उन पैसों से लाकर इसने मुझे खिलाया। अल्लाह अकबर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु अपने हलक में उंगलियाँ डाल डाल कर निकालने लगे और ये कहने लगे, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, जो लुकमा मेरे पेट में गया है, अगर उसे बाहर निकालने के लिए, अगर उसके बाहर निकलने के लिए मेरी जान भी निकल जाए तो भी मैं निकाल दूं, मेरी जान भी अगर निकल जाए उस लुकमे को निकालने की खातिर, मैं अपनी जान निकाल दूंगा। क्यों? हराम लुकमा था जो पेट में चला गया, हराम लुकमा था जो पेट में चला गया। अगर हम जैसे होते, आज जिस जमाने में लोग जिंदगी गुजार रहे, जिस तरह की मिसालें, ये कहते थोड़ा था चला गया, क्या होता, अल्लाह माफ कर देता, नहीं, हराम से किस कदर बचा करते थे सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम। अल्लाह अकबर, हजरत अबू बकर कहते, अल्लाह की कसम, अगर वो लुकमा मेरी जान के साथ निकले तो भी मैं निकाल दूंगा। इस तरह बचना चाहिए हराम से, हराम कमाई से, हराम रोजी से।
इस कदर बचना चाहिए। थोड़ा था बहाने, फुला फुला ऐसा वैसा, मजबूर थे कर लिए हो गया, नहीं बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि बड़ा खतरनाक इसका अंजाम बताया गया। याद रखें, अगर आदमी हराम कमाई से ना बचे उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। एक ही तो जरिया है अपने रब से जुड़ने का, अल्लाह से मांगने का, गिड़गिड़ाने का कि परवरदिगारा हम मजबूर हैं, हमारी ये जरूरियात है, ये दुआ से हम पहुंचाते अल्लाह तबारक व ताला के पास, दुआ से हम अल्लाह से मदद मांगते, सहारा अल्लाह तबारक व ताला से मांगते हैं। ये दुआ का दरवाजा हम अपने हाथों से बंद कर रहे हैं। अगर हराम कमाई अगर हम खा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में बयान फरमाते, एक आदमी दूर दराज से सफर करता हुआ आ रहा, सहरा में रेगिस्तान में वो जा रहा, दूर दराज से सफर करता हुआ, अल्लाह के नबी उसकी हालत बताते हुए बयान फरमाते, बाल परागंदा हो चुके हैं, लिबास मैला कुचैला हो चुका है, उसके जिस्म की हालत, उसके कपड़ों की हालत, दूर दराज से सफर करता हुआ रहा है, हाथ उठाकर दुआ कर रहा है, या रब्बी, अपने रब को पुकार रहा है, दुआएं मांग रहा है अल्लाह से। अल्लाह के नबी फरमाते, फअन्ना युस्तजा, बोला कैसे उसकी दुआ कबूल होगी, कैसे दुआ कबूल होगी। अल्लाह अकबर। आदमी आप गौर करें, हदीस में जो बातें बताई गई कि दुआ की कबूलियत के असबाब, कैसे कैसे दुआ कबूल होती, अल्लाह के नबी ने फरमाया हदीस में, मुसाफिर है सफर में दुआ कर रहा है, उसकी दुआ कबूल होती है, मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये भी मुसाफिर है लेकिन इसकी दुआ कबूल नहीं हो रही। अल्लाह के नबी ने फरमाया, परेशान हाल इंसान, मजबूर इंसान, हाजतमंद इंसान अल्लाह से दुआ मांगेगा तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल करेगा। ये परेशान है, मजबूर है, हाजतमंद है, सफर करके आ रहा है, बड़ी दूर से सफर करता हुआ आ रहा है, अल्लाह के नबी फरमाते लेकिन इसकी दुआ कबूल नहीं हो रही। अल्लाह के नबी ने हदीस में बयान फरमाया, अगर कोई इंसान हाथ उठा कर अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह दुआ कबूल करता है, ये हाथ उठा कर दुआ कर रहा है लेकिन फिर भी इसकी दुआ कबूल नहीं हो रही। दुआ की कबूलियत के असबाब हैं, हाथ उठाकर दुआ कर रहा है, मजबूर है, परेशान हाल है, और इसी तरह से मुसाफिर है, ये सब वजूहात हैं लेकिन फिर भी इसकी दुआ कबूल नहीं हो रही। अल्लाह के नबी फरमाते, फन्ना युस्तजाब, कैसे इसकी दुआ कबूल होगी, मतामुहु हराम, उसकी गिजा जो उसके पेट में जा रही है हराम की है, मशरबहु हराम, जो वो पी रहा है जो उसका पानी वो हराम का है, मलबसहु हराम, और उसका जो लिबास है वो हराम पैसों का, वह गुजिया बिल हराम, उसकी परवरिश जिस पैसे से हुई हराम का पैसा था। अल्लाह, हराम रोजी, हराम गिजा, हराम लिबास, हराम कमाई, हराम परवरिश, दुआओं का दरवाजा बंद हो जाता है। अल्लाह तबारक व ताला दुआएं कबूल नहीं करता। रो, गिड़गिड़ाओ, परेशान रहो, जहां चाहे रो रो कर अल्लाह से, हाथ उठा उठा कर दुआएं मांगो, अल्लाह दुआ कबूल नहीं करेगा। क्यों? पेट में जो गिजा जा रही वो हराम की है, जो कमाई इंसान की वो हराम की। यह अंजाम होता है, ये अंजाम होता है। कहते ना, थोड़ा सा क्या हो जाता, दुआओं का दरवाजा बंद हो जाता। एक बात, एक ये अंजाम। दूसरी बात, सिर्फ दुआएं नहीं, सिर्फ दुआएं ही नहीं, सारी इबादतें बेकार हो जाती। सारी इबादतें, जिंदगी भर अमल करते रहो, अमल कबूल नहीं होंगे। नमाजें पढ़ रहे हैं, सुबह से शाम तक नमाजें पढ़ी जा रही हैं, कबूल नहीं होंगी। लाखों रुपयों का सदका खैरात कर लो, कबूल नहीं होंगे। हज पर हज, उमरा पर उमरा करते चले जाओ, कबूल नहीं होंगे। मेरी बात नहीं है, इब्तिदा में मैंने आपके सामने एक आयत पढ़ी, सूरतुल मोमिनून की आयत नंबर 51। अल्लाह तबारक व ताला ने रसूलों को हुक्म दिया, किन बातों का हुक्म दिया, गौर से सुने। या अय्युहर रसूल, ऐ रसूलों की जमात, कुलू मिन तय्यिबात, पाकीजा चीजें खाओ, वामलू सालिहा, और नेक आमाल करो। अब आपसे अगर मैं सवाल करूं, इस आयत में अल्लाह ने रसूलों को कितनी बातों का हुक्म दिया? कुलू मिन तय्यिबात, वामलू सालिहा, पाकीजा चीजें खाओ और नेक आमाल अंजाम दो। अब आपसे मैं ये सवाल करूं कि भाई पहले किस चीज का हुक्म दिया, बाद में किस चीज का हुक्म दिया?
पहले किस बात का हुक्म दिया अल्लाह ने? पहले कहा पाकीज़ा चीजें खाओ, फिर हुक्म दिया नेक अमल अंजाम दो। क्यों? जैसी ग़िज़ा पेट में जाएगी वैसा अमल इंसान का होगा। हलाल ग़िज़ा जाएगी, जिस्म हलाल कामों की तरफ जाएगा। हराम ग़िज़ा पेट में जाएगी, इंसान हराम कामों की तरफ जाएगा। हलाल ग़िज़ा पेट में जाएगी, अल्लाह फरमाता है वामलू सालिहा। पहले कहा हलाल, पहले कहा कि हलाल चीज़ें खाओ फिर नेक अमल करो। अब इंसान अगर हराम कमाई खाए और नेक अमल करता जाए तो क्या अमल कबूल होंगे? नहीं होंगे। आप चाहे नमाजें पढ़ते रहो, सदका खैरात करते रहो, हज करते रहो, उम्रा करते रहो, कमाई हराम की है, कोई अमल कबूल होने वाला नहीं, कोई अमल कबूल होने वाला नहीं। अल्लाह अकबर। गौर कर लें, आज हम समझते नज़रअंदाज कर देते, सुनते नज़रअंदाज कर देते, भाई थोड़ा है चलता दुनिया के अंदर, इतना तो होता, थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता कारोबार में, थोड़ा बहुत करना पड़ता, ये थोड़ा बहुत इंसान के सारे अमाल को बर्बाद कर देता। आज कारोबार में धोखा दही, वादा खिलाफी, लूट खसूट और इसी तरह से न जाने किस किस तरह से सूदी कारोबार, सूदी लेन देन, ये सब चीजें इंसान के आमाल को बर्बाद कर देंगी। याद रखें, मामूली बात नहीं है। इब्तिदा में मैंने आपसे कहा बड़ा अहम मौजू, बड़ा हसास मौजू है, हमारी जिंदगियों से मरते दम तक ताल्लुक रखने वाला ये मौजू है। पेट में जो जा रहा है आखिरी दाने का भी हमें हिसाब देना है कि हलाल है क्या हराम। तो ये बड़ी ख़तरनाक बात होगी। और इसी तरह से याद रखें एक और चीज़, ये कि अल्लाह तबारक व तआला का गैज़ो गज़ब नाजिल होता। अंजाम में आपको बता रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला का गैज़ो गज़ब नाजिल होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान से ख़िताब करते हुए फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, सूरह बकरा की आयत नंबर 178, 179 आप देख लें, 178, 179 आयत नंबर सूरह बकरा की। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ। अल्लाहु अकबर। सबसे पहले अल्लाह ने डराया किसको? अहले ईमान को। अल्लाह कहता है पहले डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ पहले। अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह तबारक व तआला का अगर गैज़ो गज़ब, पिछली कौमों का, पिछली उम्मतों का हाल हमें बताया गया, कैसा गज़ब अल्लाह का, कैसा कहर नाजिल हुआ। अल्लाह ने मिसालें बता दी कुरान करीम में। अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुदरत का तुम्हें अंदाजा होगा। अल्लाह से डर जाओ ऐ ईमान वालों, अल्लाह के कहर से डर जाओ, अल्लाह के अज़ाब से डर जाओ, अल्लाह के गुस्से से डर जाओ, अल्लाह के गैज़ो गज़ब से डर जाओ। सबसे पहली बात, क्यों डर जाओ? वज़रू मा बकिया मिनर रिबा। पहले कहा डर जाओ, फिर हुक्म दिया कि जो सूद बाकी रह गया उसे छोड़ दो। जो कर लिया सो कर लिया, अब तक हो गया जिंदगी में, जो बाकी है उसे छोड़ दो, खत्म कर दो। वतरू मा बकिया मिनर रिबा, जो बाकी है सूद उसे छोड़ दो। अब तक जिंदगी में जो तुमने कर लिया कर लिया, जो ले लिया ले लिया, जो दे दिया दे दिया, खत्म कर दो। अब यहां से डर जाओ अल्लाह से, अल्लाह के गैज़ो गज़ब से डर जाओ, अल्लाह के कहर से डर जाओ, अल्लाह के अज़ाब से डर जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, अल्लाह ने पहले डराया, बाद में कहा कि वज़रू मा बकिया मिनर रिबा, जो सूद बाकी रह गया उसे छोड़ दो। वज़रू मा बकिया मिनर रिबा, इन कुन, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वज़रू मा बकिया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। ईमान का हवाला भी दिया जा रहा है, ईमान का हवाला दिया जा रहा है। जैसे एक दूसरे को हम मोमिन कहते हैं, अगर कोई गलत काम कर दे तो कहते हैं कि भाई मुसलमान हो के ऐसा काम करते क्या, मोमिन हो के ऐसा काम करते क्या, नमाजी हो के ऐसा काम करते क्या। अल्लाह फरमाता अगर मोमिन हो तो छोड़ दो। आप देखें कैसे कैसे उसलूब में अल्लाह फरमा रहा। पहले अल्लाह ने कहा डर जाओ,
या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, वतरू मा बक़िया मिनर रिबा, और जो सूद बाकी रह गया उसे छोड़ दो, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर मोमिन हो तो ऐसा कर लो। फिर अल्लाह ने क्या कहा, दूसरी आयत 179, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फइल्लम तफालू, अगर ऐसा नहीं करोगे, सूदी कारोबार से, सूदी लेन देन से बाज नहीं आओगे, हराम कमाई से बाज नहीं आओगे, आप सुन लें, कान खोल कर सुन लें, मेरी बात नहीं, अल्लाह डरा रहा है, अल्लाह तबारक व ताला डायरेक्ट आपसे मुखातब है, अल्लाह तबारक व ताला, अल्लाह का फरमान मैं अपनी जबान से आपके कानों में डाल रहा हूं, अपने मुंह से आपके कानों तक आप ये बात पहुंचा रहा हूं, अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, फइल्लम तफालू, अगर बाज नहीं आओगे, अगर सूदी लेन देन से, सूदी कारोबार से बाज नहीं आओगे, फइल्लम तफालू फाज़रू बिहर्बिन मिन अल्लाह व रसूली, अल्लाह से उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ, अल्लाह से रसूल से जंग करने तैयार हो जाओ। अल्लाह अकबर, है किसी की औकात, है किसी की हैसियत अल्लाह से मुकाबला कर सके, है कोई? कौमें तबाह हो, बर्बाद हो गई, हलाक हो गई, एक आवाज आई के पूरी कौम बर्बाद हो गई, एक हवा चली के पूरी कौम बर्बाद हो गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह की वो ताकत, वो कुदरत, अल्लाह तबारक व ताला कहता है अल्लाह के कहर से डर जाओ, अल्लाह के अजाब से डर जाओ, अल्लाह के गैज़ो गज़ब से डर जाओ और बाजा जाओ। अब तक जो कर लिया कर लिया, अब नहीं, अब नहीं, जो हो गया जिंदगी में तौबा कर लो, अल्लाह तबारक व ताला से डर जाओ, बाज आ जाओ, अगर नहीं करोगे तो फिर अल्लाह रसूल से जंग करने तैयार हो जाओ। फअज़नू बिहर्बिन मिन अल्लाह व रसूली, अल्लाह फरमाता है। अरे एक देखें, एक उसलूब होता है कि इंसान को डराया जाए, धमकाया जाए, ये उसलूब तो मैंने आपके सामने रख दिया। एक और उसलूब होता है, इंसान की गैरत को पुकारा जाता, इंसान की गैरत को ललकारा जाता है। इंसान अपने घर वालों के सिलसिले में बड़ा गैरतमंद होता है, बड़ा गैरतमंद होता है इंसान अपने घर वालों के सिलसिले में, अपनी बीवी के सिलसिले में, अपनी माँ अपनी बहन के सिलसिले में बड़ा गैरतमंद होता है। कोई उनके सिलसिले में अगर बात करता है इंसान बर्दाश्त नहीं करता, गाली तो दूर की बात, कोई ऐसी वैसी बात इंसान अगर कोई उसकी घर वालों के सिलसिले में, उसकी माँ बहन के सिलसिले में अगर कह देता है इंसान बर्दाश्त नहीं करता, बड़ा गैरतमंद इंसान होता है। अब आप देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान की इसी गैरत को आवाज़ दे रहे हैं, इसी गैरत को ललकारा जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सूद का एक दिरहम कितना, सूद का एक दिरहम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं 36 मरतबा अपनी माँ से मुँह काला करने के बराबर। नाउज़ुबिल्लाह, इंसान के तसव्वुर में भी नहीं आती ये बात, इंसान सोचता भी नहीं कभी ऐसी बात कि ऐसा करूंगा, नहीं, नाउज़ुबिल्लाह, सोचता भी नहीं, तसव्वुर भी नहीं करता। तो जिस तरह से इंसान इस बात को सोचता भी नहीं, तसव्वुर भी नहीं करता, ये काम इंसान कैसे कर लेता है? वो हराम है, वो हराम इंसान समझता है कि भाई हराम है, नहीं करना है, गुनाह है। सबसे पहली बात इंसान की गैरत, फिर ये जो हराम है इंसान कैसे कर लेता है? हराम वो भी है, हराम ये भी है, वो हराम को हराम कैसे समझता है और इस हराम को हलाल कैसे समझ लेता है? कोई इंसान ये कहे कि भाई मजबूर था कर लिया, कर सकता आदमी, इंसान मर जाएगा लेकिन ऐसी बात नहीं सोचेगा, अपने आप को इंसान बर्बाद कर लेगा, हलाक कर लेगा, लेकिन ऐसी बात इंसान कभी नहीं करेगा, कभी नहीं सोचेगा, या ऐसी जगह पर नहीं कहेगा कि भाई मजबूर था कर लिया, नहीं, ना उसमें नहीं करेगा, कितना ही इंसान मजबूर हो नहीं करेगा। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ने मजबूर तो नहीं रखा इंसान को, नबी कहते हैं गैरत को आवाज दी जा रही है, इंसान की गैरत को ललकारा जा रहा है, दिल को छू लेने वाली बात कही जा रही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 36 मरतबा अपनी माँ के साथ मुंह काला करने के बराबर। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह के नबी ने दूसरी हदीस इब्ने माजा, अभी जो मैंने आपके सामने बताई मुसनद अहमद की रिवायत है,
एक दूसरी रिवायत आप ये भी सुन लें, अल्लाह के नबी ने इब्ने माजा की हदीस में बयान फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, ये तो सूद है, सूदी कारोबार है, सूदी लेन देन है, जिसको आज हमने इतना मामूली समझ लिया, गाड़ी लेकर निकल रहे हैं सूद की, घर में रह रहे हैं सूदी कारोबार, हर चीज आज हमारी जिंदगियों में सूद पूरी तरह से मिक्स मिक्सचर हो चुका है। उस सूद को जिसको हमने इतना मामूली समझ लिया, इतना आसान समझ लिया, कितना खतरनाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, ये जो सूद है 70 दर्जे इसके हैं। कितने? 70 दर्जे इसके हैं। सबसे छोटा, सबसे हल्का दर्जा क्या है? अपनी माँ के साथ मुकाला करना। सबसे हल्का दर्जा, सबसे छोटा, निचला, कमतर दर्जा, अल्लाह के नबी फरमाते माँ के साथ मुंह काला करने का। अब आप अंदाजा लगाएं, दूसरा, तीसरा, पांचवा, दसवां, छठवां, सत्तरवां, क्या कितना खतरनाक गुना, कितना बड़ा गुना। अल्लाह अकबर। मामूली बात है, जिंदगी में आज हमने कितना मामूली समझ लिया इसको, भाई थोड़ा है, ले लिए, कर लिए, सूदी कारोबार, सूद की चिट्ठी है, मजबूर थे, ले लिए, कर लिए। नहीं, इतना हल्का मत लीजिए, इतना मामूली मत समझिए। गाड़ी है, पुरानी चलाइए, जिंदगी वैसे ही गुजार दीजिए, नई गाड़ी सूद पर लेने की जरूरत नहीं। झोपड़ी में आप जिंदगी गुजार रहे, वैसे ही गुजार लीजिए। अल्लाह के पास अल्लाह ने जन्नतें तैयार कर रखी है, सोने चांदी के महल अल्लाह ने तैयार कर रखे, नया घर बनाने की जरूरत नहीं। सूदी कारोबार, सूदी लेन देन लेकर रहिए, उसी घर में रहिए, जब तक रहे अल्लाह अल्लाह करके खुशी के साथ उसी में जिंदगी गुजार लीजिए। लेकिन ऐसा घर बनाने की जरूरत नहीं जिसमें सूद का पैसा लेकर आप घर बनाएं, हराम कमाई से आप घर बनाएं, महल तैयार कर रहे हैं, और जैसे मैंने आपको बनाया, जिंदगी भर इंसान बना रहा है, फुला 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 महल नुमा, जन्नत नुमा महल तैयार कर रहा है, और उस पर उसके बाद क्या होता है, सारा महल तैयार हो गया, आदमी चला गया, टिकट कट गई, चला गया आदमी, क्या होता है, आदमी इतना सब कुछ हाथ पैर मार के, हलाल हराम सब एक करके आदमी ये जो सब कुछ रखता है, क्या होता है, कभी कभार होता यह है कि सब कुछ जमा कर लिया, आदमी चला गया। कभी कभार यह होता है कि सब कुछ जमा किया था, एक झटके में सब चला गया, कभी आदमी रह जाता है, चीज चली जाती है, कभी चीज रह जाती है, आदमी चला जाता। ये बस खुलासा है इंसान की जिंदगी का, कुछ बाकी रहने वाला नहीं है, और होना तो ये, अंजाम तो ये है कि आदमी भी जाने वाला है, जो चीज है वो भी जाने वाली, सब फना बर्बाद होने वाले, खत्म होने वाले, कोई चीज बाकी रह जाने वाली नहीं है। बाकी रहने वाला है तो बस इंसान का अमल है, बाकी रहने वाला बस इंसान का अमल है। इंसान अपने अमल को सुधार ले, अपने अमल की इंसान देखभाल कर ले, बस यही चीज़ इंसान की ज़िंदगी में काम आने वाली है। तो दोनों चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी, हलाल कमाई, हलाल रोज़ी की क्या अहमियत है शरीयत में, कितनी इसकी ताकीद की गई है, और हराम कमाई से किस कदर बचने का हुक्म दिया गया और कितना ख़तरनाक उसको बताया गया है, दोनों बातें मैंने आपके सामने रख दी है। वक्त मेरा ख़त्म हो चुका है, रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन हम तमाम को अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम व फरामीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हम तमाम को हलाल कमाई, हलाल रोज़ी इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए, हलाल व हराम की फ़िक्र करने की तौफीक अता फरमाए, हलाल व हराम की परवाह, उसकी तमीज़ करने की अल्लाह हम तमाम को तौफीक अता फरमाए। हराम कमाई से, हराम रोज़ी से, हराम कारोबार से, हराम लुक्मे से, हराम कामों से अल्लाह हम तमाम को बचने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें, हमारे अहलोयाल, रिश्तेदारों में जो दोस्त अहबाब में जो बीमार हैं, परवरदिगारा उन्हें शिफाए कामिला आजला नसीब फरमा। परवरदिगारा जो बेरोज़गार है उनकी रोज़ियों का इंतज़ाम फरमा। परवरदिगारा हमारी रोज़ियों में बरकत अता फरमा, हलाल तरीक़े से रोज़ी कमाने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा
जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगारा जो कर्ज़ों में मुब्तला हैं उनके कर्ज़ों की अदायगी का इंतज़ाम फरमा। परवरदिगारा जो बुज़ुर्ग रिश्तेदार दोस्त अहबाब हमारे इस दुनिया से गुजर चुके उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनकी ख़ताओं लग्ज़िशों से दरगुजर फरमा। परवरदिगारा जब तक हमें इस दुनिया में ज़िंदगी दे ईमान और तौहीद की ज़िंदगी नसीब फरमा। ख़ातिमा हो तो ख़ातिमा बिलखैर फरमा। आमीन सुमामीन व आखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वसलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मज़ीद उलमा और मुकर्ररीन के बयानात सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकअल्लाह।